start. नाइन क्लास के सभी विद्यार्थियों का वाद विवाद प्रतियोगिता में मैं हिंदी टीचर अरविंद पांडे आप सभी प्रतिभागियों का मैं स्वागत करता हूं और साथ में जितने भी बैठे हुए ऑडियंस हैं उनका भी स्वागत है। और सबसे पहले बारी बारी सभी प्रतिभागी अपना अपना परिचय दें। हरे खड़े हो रोहिनाज क्लास नाइन, शांति कुमारी क्लास नाइन, प्रिया कुमारी क्लास नाइन, शिवम कुमार क्लास नाइन, अभिनव कुमार क्लास नाइन, मोहम्मद साहिद क्लास नाइन, गौरव कुमार, आशुतोष कुमार क्लास नाइन। चलिए नियम सबसे पहले आप लोगों को बताया हुआ था कि लिमिट चैप्टर से ही आप सबसे प्रश्न पूछे जाएंगे। चैप्टर सबको पता है किस किस से पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वाद विवाद प्रतियोगिता। सबसे पहले रोहिनाज से सबसे पहले बताना है सूरदास के पद के आधार पर बताइए कि उद्धव गोपियों की मनोदशा क्यों है। उद्धव जो थे गोपियों की मनोदशा क्यों नहीं समझ सके। था कि आप नए हैं अपने हिसाब से अपनी म्यूजिक कर एक लाइन इसका उत्तर क्लास नाइन्स के ऑडियंस इस प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। ऑडियंस में से देंगे केवल नाइन। देखे कितने ऑडियंस का हाथ उठता है इस प्रश्न पर। प्रश्न है सूरदास के पद के आधार पर बताइए कि उद्धव गोपियों की मनोदशा क्यों नहीं समझ सके। क्लास नाइन के कितने बच्चे थे। गिनती संख्या बहुत कम है, मात्र चार बच्चे ऑडियंस में से भी। चले आप बताएंगे उद्धव गोपियों को मनोदशा तो इसलिए नहीं समझ पाए क्योंकि युद्ध ज्ञान अर्जित किए तो महाज्ञानी थे लेकिन उन्हें प्रेम के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसीलिए गोपियों को प्रेम के कहानी में वो नहीं। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है शांति से। साथी बेटा शादी सब बात नहीं। गोपियों ने अपने वाक्य चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को भी प्रास्त कर दिया। उनके वाक्य चातुर्य की क्या विशेषताएं हैं। और नहीं उनसे और नहीं तो उनके प्रेम को न जाना न समझा।
चलिए अगला सूरदास के पद के आधार पर बताइए कि उद्धव गोपियों की गोपियों ने ऐसा क्यों समझ लिया कि श्री कृष्ण ने राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर ली है। पहले तो प्रश्न को समझा था, गोपियों ने ऐसा क्यों समझ लिया कि श्री कृष्ण ने राजनीति की शिक्षा पढ़ ली। प्रश्न अगर समझ में आ गया तो जवाब खुद बहुत चलिए प्रश्न को ट्रांसफर करते हैं आप सबके बीच। कौन इस प्रश्न का जवाब शांति और अभी दे सकते हैं, अभी दे सकते हैं। चलिए आप बताएंगे। माइक ले लो बेटा, माइक ले लीजिए। तेज बोलिए। श्री कृष्ण ने उद्धव के माध्यम से प्रेम संदेश था बनाकर योग संदेश भेजवा दिया, जिससे गोपियों को लगने लगा कि कृष्ण पहले से तो चतुर थे लेकिन अब राजनीति पढ़ लिए हैं तो अब उनकी बुद्धि और भी बढ़ गई। राजनीति, यही तो प्रश्न, ऐसा क्यों समझ लिया कि राजनीति का पाठ पढ़ लिया। प्रेम संदेश ना बनाकर योग संदेश उद्धव के माध्यम से भेजवा दिया। लास्ट में बताया, चले आपसे भी सुन लेता हूँ तब शांति। ऐसा इसलिए लगा कि श्री कृष्ण अब राजनीति पढ़ा क्योंकि उन्हें जान उन्हें अपेक्षा थी कि श्री कृष्ण उनकी न्याय को और किसी मनोरथ का काम करेगा, और उनको जैसा कि आज का राजनेता राजनीति फायदा सोचता है अब श्री प्रकार श्री कृष्ण लेकिन राजनीतिक में छल कपट वादे करके नहीं निभाए जाते हैं। कृष्ण ने वादे किया था गोपियों के साथ, अब छल को व्यवहार कर रहे हैं, उनकी कुटिलता राजनीति में ही कुटिलता छल कपट का व्यवहार अपनाया जाता है और कृष्ण वैसा उनके साथ कर रहे हैं। राइट आंसर ये होगा। चिंता था इनका था गोपियों ने श्री कृष्ण को अपने हृदय में कैसे बसाया। कैसे बसाया दो तत्वों से बसाया दो तत्व गोपियों ने श्री कृष्ण को निंदित तत्वों से अपने हृदय में समाया। जैसे हारी की पक्षी जैसे अपने पंजों में लकड़ी का एक टुकड़ा दबाए रखता है जागरूक होते, इसी प्रकार गोपियाँ अपने मन में श्री कृष्ण को बसाए हृदय में बसाए रखती है। और ठीक है तेजी में पूजा कर लिया सर। विरह गोपियाँ विरह की आग में क्यों जल रही थी, विरह की आग में क्यों जल रही
गोपियोंदास श्री कृष्ण को हरी लकड़ी बताने में क्या आशय है? गोपियाँ अपने आप को हरी की लकड़ी बताती हैं, क्यों? इसमें उनका मतलब क्या है? क्यों बताती हैं अपने आप को हरी की लकड़ी? क्योंकि माइक ले लो बेटा, क्योंकि गोपियाँ श्री कृष्ण के साथ हारिल, गोपियाँ अपने आप को हारिल की लकड़ी बताते हैं, इसका आशय क्या है, वो क्या कहना चाहती हैं? हारिल की लकड़ी अपने प्रश्न आप लोग पास भी कर सकते हैं, इसमें कोई संबंध नहीं है। समझा दिया, गोपियों द्वारा श्री कृष्ण को हारी की लकड़ी बताने में क्या आशय है? लकड़ी बताने का मतलब ये, चलिए आपसे मन की मन ही माज रही का भाव स्पष्ट कैमरा में आवाज का लेवल आ नहीं रहा है, आप लोग नहीं बोल सकते, माइक नीचे जा रहा है, सर जा रहा है। मन ही मन माज रही, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करना, आशय स्पष्ट करना है। बुरा सब असर रख दिया, बोलिए और एक बार और बोलिए, बढ़िया बोले हैं, लेकिन थोड़ा सा उन्हीं से ये प्रश्न पूछे क्लास में, हमसे हम आपको समझाएंगे, लेकिन यहाँ पर कह नहीं पा, ये प्रश्न आपने पूछा नहीं, ठीक है, चले अगले प्रश्न पे, अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। परशुराम संवाद, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की ओर चलते हैं और दुनिया से स्टार्ट करते हैं। परशुराम ने धनुष तोड़ने वाले के विषय में पूछा तो श्री राम ने धनुष मेरे द्वारा टूट गया सीधा उत्तर न देकर ऐसा क्यों कह दिया कि धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास होगा? माइक ले लो, अगर फिर बोलना है माइक ले लो, फिर से बोलो माइक, फिर से बोलो। परशुराम ने धनुष तोड़ने वाले के विषय में पूछा तो श्री राम ने सीधा उत्तर नहीं देकर ये क्यों कहा कि धनुष तोड़ने वाला आपका कोई दास होगा? माइक ले लो, मैं बोल। श्री राम जानते थे कि परशुराम एक क्रोधित व्यक्ति है, उन्हें विनम्रता से ही समझाया जा सकता है, इसलिए वो परशुराम से कहे कि धनुष तोड़ने वाला कोई उनका दास है। सीधा उत्तर न देकर शांति आप राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर मातु पीत ही जनी सोच वश करसी महिष किशोर पंक्ति का आशय है। राजकुमार को अपनी माता पिता को
माता पिता को शोक ग्रस्त मत करो, शोक में बंद मत करो। और लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई लक्ष्मण ने वीर योद्धा की विशेषताएं बताई हैं कि वीर पराक्रम में अपना पराक्रम युद्ध भूमि में दिखाते हैं। वह ब्राह्मण स्त्रियां और गांव गाय ऊपर वार नहीं करते, वह अपने से दलों का आदर करते हैं। माइक अच्छा नहीं है। हेलो हेलो, देखे माइक कैसे तुम लोग बोल रहे, आवाज पता नहीं चल रहा है। हम तो बोल रहे माइक लीजिए, माइक लेके बोलिए। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई? लक्ष्मण ने वीर योद्धा की विशेषताएं इस प्रकार बताई हैं कि वह वीर योद्धा अपने वीरता का बखान अपने मुंह से नहीं करते हैं, और वीर योद्धा अपने वीरता का प्रदर्शन अपने युद्ध भूमि में दिखाते हैं, और वीर योद्धा ना ही वीर योद्धा अपना घर का बात चले बता देता हूँ कि वीर योद्धा धैर्यवान और क्रोध रहित होते हैं, उन्हें क्रोध नहीं आता जो भी योद्धा होते हैं, और धैर्य उनके पास, धैर्य शक्ति उनके पास अधिक होती है। वीर योद्धा कभी अशब्द नहीं बोलते हैं, लक्ष्मण यही ना कहे हैं, और अपना प्रताप युद्ध में दिखाते हैं। आपसे फिर साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर, इस कथन पर अपने विचार बताएं। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो इस प्रकार है कि विशेषता है कि राम परशुराम क्रोध स्वभाव के व्यक्ति थे, जो कि वह परशुराम क्रोधी स्वभाव के व्यक्ति थे, जो एक ही बार में विशेषता राम अपने से कौन जवाब दे सकते। चलिए साहिल बताएंगे, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर, इस कथन पर अपने विचार। साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो इस प्रकार है कि हर युद्ध साहस और शक्ति से नहीं जीता जा सकता, कभी कभी हमें विनम्रता भी रखना भी बहुत जरूरी होता है। जैसे श्री राम के पास साहस शक्ति और विनम्रता भी है, परशुराम हमेशा अपने साहस और शक्ति से हर युद्ध को जीतते आते। शॉर्ट हो गया, शॉर्ट में भी सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। आपका कहना उत्साह कभी कविता के उत्तर पे बढ़ते हैं, दो चैप्टर समाप्त हो गए आप सब। उत्साह कविता के आधार पर बादल का दूसरा पक्ष बताइए, दूसरा पक्ष क्या है? बस
चलिए दो जन का आप पहले बताएं। बादल का दूसरा पक्ष क्या है? उत्साह कविता के अनुसार बादल का दूसरा पक्ष विनाशक है, विनाश विनाशकारी विनाश इसका दूसरा रूप तो विनाश ही नहीं करता बादल। उत्साह कविता में कवि बादल के किन किन रूपों की चर्चा की है आपसे? उत्साह कविता में कवि बादल की चर्चा चले अगला साहिल। साहिल तुम जवाब दो इस क्वेश्चन का। उत्साह कविता में बादल के किन किन रूपों की चर्चा की है? उत्साह कविता में बादल की दो रूपों का वर्णन किया गया है, जिसमें एक है विनाशकारी और दूसरा है संस्कृति लाने। विनाशकारी का चर्चा किया गया, किन किन रूपों का चर्चा किया गया उसका रूप बताया, बादल का रूप का चर्चा किया गया उत्साह कविता। और कोई बता सकते? चलिए और शांति बादल काले और बादल काले सुंदर और मुहराले हैं, ये बाल कल्पना के समान ये अपना रूप समय समय पर परिवर्तित करते रहते हैं, वे अपने गर्जन से लोगों के मन में उत्साह लाते हैं। बादल प्यासे लोगों के छाव की पूर्ति करते हैं। बादल का रूप ललित कल्पना कैसे पाले आया है वही चीज स्पष्ट कीजिए। अगले प्रश्न किनका नंबर था? अभिनव साहिल का है। साहिल का कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा है? उत्साह कविता का शीर्षक जो है उत्साह ही क्यों रखा है? उत्साह कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए लिखा गया है क्योंकि क्रांति लाने के लिए हमें उत्साह की जरूरत होती है, बिना उत्साह के हम कहीं भी क्रांति नहीं ला सकते। साइन नहीं रहा है क्या? काफी परिवर्तन हुए हैं साइन में, चलिए अच्छी बात है। अगर अभिनव से उत्साह कविता किस प्रकार की रचना आप लोग शांति से सुनिए, मजा आएगा। उत्साह कविता एक आह्वान गीत है और जिसमें कवि बादलों से आह्वान करता है पूरे समाज में क्रांति लाने के लिए। नहीं सर इतना है। चलिए रूहीनाथ बताएंगे। कभी बादल से फुहार या इंजन बरसने का स्थान पर बैठने के लिए माइक लो बेटा। कभी बादल से फुहार या रिमझिम बरसने का स्थान पर गरजने के लिए कहता है, गरजो बरसो नहीं गरज कर बरसो, क्यों? बादल क्रांति का रूप होता है। देखो साथ आया हुआ साहिब परिवर्तन में। और कोई प्रश्न का जवाब देंगे? शांति आप भाई इसमें से
कभी बादल से फुहार रिमझिम या बरसने का स्थान पर गरजने के लिए क्यों करता है? रिमझिम बरसने के लिए नहीं कहता, गरजने के लिए कहता है। तुम बताओ कभी बादल से रिमझिम के जगह पर गरजने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि शांति और मृदुलता से क्रांति कभी नहीं आती है, और नवीनता लाने के लिए विप्लव के साथ साथ क्रांति अति आवश्यक है, इसीलिए कभी एक बादल को रिमझिम बरसने की जगह पे गरजने के लिए करता है। क्रांति कभी दबे पांव नहीं आ सकती है, क्रांति लाने के लिए कठोरता की जरूरत होती है, गर्जन की आवश्यकता होती है, इसलिए बादल के माध्यम से कभी समाज में क्रांति लाना चाहता है, इसलिए बादल को रिमझिम बरसने का स्थान पर गरजने के लिए कहता है। चलिए ठीक ठीक था इधर नहीं गई घर चलो आप आपका विद्युत छवि उर्मे कवि का विद्युत छवि उर्मे का भाव लिखिए क्या? बादल अपने बीच बिजली को छिपाया हुआ है। इसका सीधा अर्थ है कि बादल के अंदर क्रांति लाने की शक्ति छिपी हुई है और बादल ऊर्जावान और शक्तिशाली है। बहुत बढ़िया, चलिए आपका नंबर है। कवि के अनुसार बादल किसे और कब शांति देते हैं? कवि के अनुसार बादल कहते हैं कि जब संसार में गर्मी से लोग तपते हैं तब वो आशा से बादल की ओर देखते हैं, और तब बादल अज्ञात दिशा से चलता प्रदान करता है। बहुत बढ़िया, चलिए बादल के रूप सुंदर का वर्णन करना है, इसके रूप सुंदर का बारे में बताना है, कैसा रूप है बादल के घूमने काले बादल, और इतना कौन से कह दिया गया। चले और तो दो तीन पॉइंट इसमें छूट रहे हैं, इनके कुछ बताएंगे और ना बताएं। बादल के काले बादल एक छोटे बच्चे की काले घुंघराले बालों का समान दिखाई देता है और उसके दिल में और वो अपने हृदय में बिजली छुपा कर रखता है। और पॉइंट है ये कहे जिस प्रकार बच्चे कभी 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 हंसते हैं तो कभी रोते हैं, वैसे बादल भी कभी गरजते हैं तो कभी बरसते हैं। अगले चैप्टर को चलते हैं। नेताजी का चश्मा। हरदार साहब जिस कस्बे से गुजरते थे उसका संक्षेप में वर्णन करना। हरदार साहब जहाँ से गुजरते थे वहाँ कस्बा बहुत छोटा था, वहाँ एक बाजार था, एक वहाँ छोटा सा बाजार था, एक बच्चों के पढ़ने के लिए दो विद्यालय था, एक नगर पालिका थी और ओपन छत वाला एक सिनेमा घर था और वहाँ पे एक नगर पालिका थी और नगर पालिका के लोग समय समय पर कवि सम्मेलन कराते थे। और
एक्चुअली कस्बों या शहरों में देखे होंगे, कस्बों या शहरों या महानगर के चौराहों पे किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन हो गया। इस तरह की मूर्ति लगाने का क्या उद्देश्य हो सकता है? क्यों लगाए जाते हैं? चलिए साहिल बताएंगे। शहर या कस्बों या महानगरों में किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन हो गया है। इस तरह की मूर्ति लगाने के पीछे क्या उद्देश्य हो सकते हैं? किसी चौर चौराहे पर महानगरों के में किसी भी व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन हो गया, इसके पीछे क्या उद्देश्य होंगे बताना? किस उद्देश्य से लगाए जाते हैं? इसके प्रति उद्देश्य हो सकता है कि लोग उनके उच्च विचारों को अपने जीवन शैली तथा अपने मन में रखें और उनको सदैव याद रखें और अपन और उनसे उनसे प्रेरणा ले सकें। टाइम बचा हुआ है। शहरों या कस्बों या चौराहे पर किसी व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया, क्यों ऐसा? उसके पीछे क्या उद्देश्य है? इससे हमारी आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी और हमें और ठीक बोल बोल जो भी उस वक्त से गुजरेगा उसको भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। चलिए शांति। कस्बों या शहरों में मूर्ति लगाने का आशय है कि हमारी नई पीढ़ी को इससे प्रेरणा मिले मिल सके और वे उनकी तरह बनने की कोशिश करें और जिस भी महापुरुष की मूर्ति होगी उस महापुरुष के जीवन की घटनाओं से वह उनके जीवन की घटनाओं के बारे में जान सके और वह उन्हें अपने जीवन में उतार सके। ठीक है। सबसे मेन बात उस व्यक्ति के द्वारा किए गए महान कार्य से आने वाली पीढ़ी प्रेरणा ले सके। क्लास में शांति। चले अगले प्रश्न की ओर। क्या चल रहा है साहिल का? अल्दार साहब का अचानक जीप रुकवाने का क्या कारण था? नेताजी के चश्मा के पार के आधार पर अचानक उन्होंने अल्दार साहब ने अचानक जीप को रुकवाया और उन्होंने देखा कि नेताजी के प्रतिमा पर अलग 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 चश्मे फ्रेम वाले चश्मे लगे हुए थे। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था और पूरा बात स्पष्ट करना। अल्दार साहब अचानक जीप रुकवाने का क्या कारण? इस बात को अचानक रुकवाने, पहले से प्लानिंग कर सकते थे कि आगे ड्राइवर को बोल सकते थे कि इस चौराहे पर रुकना है, जैसे प्रतिदिन बोल देते तो चौराहा पर भी रोकता था ड्राइवर, लेकिन पहले से तय कर दिए थे, ड्राइवर को बता दिए थे कि आज जीप रुकना नहीं है चौराहे पर, सीधे चलते रहना, लेकिन अचानक जीप स्पीड में जा रही थी, अचानक रुकने को कहते हैं क्यों?
क्योंकि बातों का स्पष्टीकरण देते हुए पूरे गली मोहल्ले में शांति थी और वह पान वाले के पास जाते हैं तो पूछते नहीं है प्रश्न का जवाब सटीक कौन दे जब वह बस्ते के रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्होंने वो एक नेता जी की प्रतिमा को देखे और तो देखे तो उनके आंखों पर चश्मा नहीं लगा हुआ था इसलिए हलदार साहब का अचानक जीप रुकवाने का क्या कारण रहा होगा बात आप समझे नहीं बढ़ती दिन चौराहे पर जीप रुकवाते थे पान खाते थे लेकिन दिन बोले कि नहीं आज जीप रुकना नहीं वहाँ कहानी क्यों दुखी चले हरदास साहब सोच रहे थे कि नेताजी अब तो कैप्टन मर चुका है अब आप सुभाष चंद्र बोस के मूर्ति पर चश्मा कोई लगाने वाला होगा ही नहीं लेकिन जब वो उस रास्ते से गुजर रहे थे तो अचानक सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर उन्हें चश्मा दिखा इसलिए वो जीप रुकवाने के लिए बोले और क्या बच्चे के द्वारा अचानक हमने प्रश्न पूछा कि जीप रुकवाया हजार साहब क्यों क्योंकि बाइक ने सही किया कि हजार साहब मर चुके थे मर चुका था और हजार साहब ने पूछे थे कि अब सरकंडे पे चश्मा लगाने वाला कोई नहीं होगा और अचानक पहले से प्रण कर लिए थे कि जीप बाहर रुकना नहीं है लेकिन अचानक देख लेते हैं कि सुभाष चंद्र के बोस पर सरकंडे से बना चश्मा पहना हुआ था अचानक ड्राइवर को बोलते हैं जीप रुकने के लिए और दौड़ते हैं अभी जीप रुकी भी नहीं थी तब तक दौड़ दो उतर कर जाकर सुभाष चंद्र मूर्ति के पास जाते हैं यही तो प्रश्न है कि देख कर बच्चे पहनाया था ये इसे कोई लेना देना नहीं है सबसे बड़ी पॉइंट को आप पकड़े पूरा बात कहानी लिखे रहते हैं आप गाइड पढ़ते हैं पूरे गाइड में मेन बात क्या होगा कि जीप रुकवाने का क्या कारण था जीप रुकवाने का सरकंडे का चश्मा कारण था अचानक उन्होंने देखा कि वो सोच लिए थे कि अब कैप्टन मर गया अब चश्मा कौन पहनाएगा इसलिए चौराहे पे पहले से तय कर लिए थे कि आप जीप नहीं रुकना है इधर देखना ही नहीं है और इस जीप स्पीड में जा रही थी अचानक नहीं देखना चाह रहे थे लेकिन अचानक आदत थी एक बार नेताजी को निहारना अचानक नजर पड़ गई जीप को रुकवा ठंडे का चश्मा पहन चल इनका नंबर था कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु पर हलदार साहब की क्या स्थिति थी नेताजी चश्मा पाठ के आधार पर फिर से हलदार साहब की जब कैप्टन चश्मे वाला मर गया तो हलदार साहब की क्या स्थिति थी उनकी स्थिति क्या हो गई थी कैसी स्थिति थी वे भावुक हो गए थे कि कैप्टन मतलब इकलौता था वहाँ पर जो कि नेता जिसके हृदय में देशभक्ति की भावना थी और वो नेताजी के मूर्ति पर अधिकांश चश्मे लगाया करता था अब वो नहीं रहा तो उन्हें लगा था कि अब उनकी मूर्ति ऐसे पड़ी रहेगी अब कोई चश्मा लगाने वाला नहीं रहेगा वहाँ पर नहीं।
कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु पर हल्दार साहब क्या स्थिति हो गई? हल्दार साहब की स्थिति कैप्टन के मरने पर ऐसी हो गई थी कि जब कैप्टन जिंदा था तो वो नेताजी के मुंह नेताजी घर की बात कहने से क्या फायदा? सबसे अधिक दुखी का कारण दुखी था, विचलित था, यही ना था स्थिति क्या थी पूछा जा रहा है, स्थिति क्या थी? तो विचलित हो गए थे, बहुत दुखित थे, बातें करने से कुछ फायदा है ना? और क्यों थे, क्यों विचलित दुखित थे? कि देश ने बहुत बड़ा एक सच्चा देशभक्त खो दिया था, उनके नजर में चश्मा वाला एक देशभक्त था और एक देशभक्त का प्राण चला गया था, इसलिए वो बहुत आहत थे, बहुत दुखित थे। ये स्थिति थी उनकी, बहुत विचलित और आहत थे। क्यों आहत थे? उस कस्बे ने एक बहुत सच्चा देशभक्त खो दिया था, इसलिए आहत थे। अगले प्रश्न का है नंबर, टाइम कितना है सर? लास्ट चल रहा है, आपको लगे ना कि ओवर हो गया तो आप बोल भी सकते हैं। हल्दार साहब के द्वारा कैप्टन के बारे में पूछने पर पान वाला अपनी आंखें क्यों माइक में क्योंकि पान वाला एक भाव के इंसान था। वह कैप्टन के मरने पर अपनी भाव स्पष्ट नहीं कर पा रहा था। वो उसके मन में भी देशभक्ति थी। देशभक्ति थी तो बताओ, मान वाले का हमेशा मजाक उड़ाया करता। पान वाले का हमेशा मजाक उड़ाया जाता था, देशभक्त का मजाक उड़ाता था। सर वो मजाक उड़ाता था लेकिन वो भी देशभक्त था। उसे पता था कैप्टन मर गया तो मूर्ति पर चश्मा कोई लगाने वाला होगा नहीं। चले आप बताएंगे। हल्दार साहब के द्वारा क्या प्रश्न था? हल्दार साहब के द्वारा कैप्टन बार बार पूछने पर अपनी आंखें क्यों पूछने? पान वाला अपनी आंखें क्यों पूछने लगा जब हल्दार साहब ने कैप्टन के बारे में पूछा तो? कन्फर्म हो कि हम सही ढंग से दबाव देंगे तभी आप उठाएगा। ये सब बोलो, क्या बोल दो प्रश्न नहीं समझोगे।
प्रश्न से हल्दार साहब बात पूछते हैं पान वाले से, तू आंखें पोछ लेता जबकि हमेशा कैप्टन का मजाक उड़ाया करता था, क्यों आंखें पोछने लगता है? उस दिन भी खुश रहना चाहिए। कौन जवाब देंगे? और किधर उनका टीम कहाँ से था? चले आप बताएं। सही जवाब होना चाहिए, समय व्यर्थ न हो। पान वाला हल्दार साहब पान वाले से पूछते हैं कैप्टन के बारे में, तो कुछ बोलता नहीं है कैप्टन के बारे में, अपनी आंखें पोंछने लगता है, रोने लगता है, क्यों? जबकि प्रतिदिन वो कैप्टन वाले का मजाक उड़ाता था, कैप्टन का मजाक उड़ाता था। कैप्टन की मृत्यु हो चुकी थी, कैप्टन की मृत्यु हो चुकी थी और पान वाला वह किसी की बात के तहत तक जाए बिना उस पर टिप्पणी कर देता और टिप्पणी कर देता और लेकिन जब पान वाला मर गया तो उस पर उसने भी दुख व्यतीत किया, उसने उस पर भी पान वाले ने कैप्टन की मृत्यु पर भी दुख व्यतीत किया। क्यों व्यतीत किया यही तो पूछा जा रहा है, मजाक उड़ाता था यही तो पूछा जा रहा है। चले शांति बताएंगे। पान वाला कुछ मिजाज तथा हसोर किस्म का व्यक्ति था, ऐसे व्यक्ति हसोर होने के कारण कपट रहित और निश्चल होते हैं, इसी के कारण वह पान वाले का मजाक उड़ाता था। लेकिन कैप्टन की मृत्यु होने पर वह भावुक हो जाता है, इससे पता चलता है कि वह भी कहीं ना कहीं देशभक्ति की भावना रखता था। देशभक्ति की भावना थी, बहुत बढ़िया। तीन चार जगह से ट्रांसफर करना पड़ा जबकि इतना ही उसके आंसू बताते हैं कि उसके दिल में कहीं ना कहीं देशभक्ति की भावना थी, देशभक्त के प्रति दिल में प्रेम था। और बहुत अच्छा इसने कहा कि जो मजकिया किसी में के वो व्यक्ति होते हैं छल रहित तो होते हैं, उनकी भावना नहीं होती है किसी की आहत पहुंचाने की, वो हंसी में किसी के मजाक उड़ाते हैं लेकिन उनकी भावना ये नहीं होती है। लेकिन हल्दार साहब द्वारा पूछे जाने पर वो अपनी आंखें पोंछने लगता है, तो इसी प्रति थोड़ा उसके हृदय में कहीं उसके हृदय में भी देशभक्ति के प्रति कहीं ना कहीं चले। लास्ट हो गया, लास्ट व्याकरण हो गया। लास्ट ग्रामर से वाक्य बनाएंगे। जैसे ही वर्षा हुई वैसे ही मोर नाचने लगे, सरल वाक्य। पहले पहला नंबर भी ना जैसे ही वर्षा हुई वैसे ही मोर नाचने लगे। वर्षा हुई मोर नाचने लगे, सरल बात ये होगा।
सरल भाषा में बोले हाँ वर्षा हुई और मोर नाचने लगे। चलिए घर को सबके पास आंसर है। चलिए ऑडियंस में से एक जन आप बताएं। वर्षा होने पर कल भी बताया था क्रिया कैसे चेंज करते हैं। मैं पूछ रहा था तो बताया था ना क्रिया क्या होता है। चलिए अगला प्रश्न है शांति के लिए। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया सरल बात में चेंज करें। सुना और जवाब दिया मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया मूर्तिकार सुनकर जवाब दिया। चले आप हम लोग को दर्शन करने थे इसलिए मंदिर गए। इसका मिश्र वाक्य बदलेंगे। अरविंद सर मौसम खराब है इसलिए आप लास्ट चीज लास्ट लास्ट चीज चलता हम लोग दर्शन करने थे इसीलिए मंदिर गए। इसका मिश्र वाक्य क्या हुआ। नहीं होगा जल्दी बताओ। इसका मिश्र वाक्य बदलना। कोई इसमें से और कोई चले आप बताएं। हम लोग को दर्शन करने थे इसलिए मंदिर गए। हम लोग मंदिर दर्शन करने हम लोग दर्शन करने थे इसलिए मंदिर गए। चलिए अगले प्रश्न पे चलिए। ये मौसम को देखते हुए टेन क्लास के जो विनर हैं सबको पता ही होगा कौन आप सबको भी पता है। आप सबको भी पता है कि टेन क्लास का विनर कौन है। सबको पता है पोर्टफोलियो में सबने देखा है इसलिए सबको आइडिया है कि किसे करना चाहिए। तो विनर है साक्षी। ओके
और नाइन्थ नहीं रहा। और नाइन्थ क्लास में भी बच्चों सभी बच्चों का लगभग परफॉर्मेंस अच्छा था। यहाँ थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन लास्ट प्रश्न के आधार पे शांति ने बहुत अच्छा और इस वीक के ऐसे का भी आज ही हम रिजल्ट दिए हैं, शांति ही बिना है। मौसम काफी खराब है, हम लोग सोच रहे हैं कि आप लोग घर पहुंच जाए तब तक, इसीलिए 10 मिनट बिफोर हम लोग खत्म कर दिए। शाम से एक से ध्यान देना है आप सबको, लैपटॉप आपके बीच में है, प्राइज आपके सामने है, लेकिन सिर्फ आप ही पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे बाहर के भी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। और हम लोग बाहर पे सेंटर बनाए हुए विलेज में, आप उनकी तैयारी करें और बिल्कुल हम लोग उसी बच्चे को लैपटॉप देंगे जो उसका हकदार होगा, जो नंबर वन आएगा। ओ एम आर जैसे एग्जाम होगा, मैथ और साइंस का क्वेश्चन होगा, लेवल JEE के जैसा होगा, यानी कि जैसे कंपटीशन वाला मैथ होगा, कंपटीशन वाला क्वेश्चन होगा, तो आप इस तरह से तैयारी करें, ठीक है? और अच्छा करें, चलें।